यीशु वापस लौटते। लगभग 2000 साल से संसार में सप्पाई जगह पे सबसे ज्यादा लोग मसीह यीशु के बारे में सुसमाचार को सुन रही हत। कलिसिया तरक्की कर रही है। यीशु ने वादा करीस है कि हु दुनिया के आखिरी में वापस लौटे। हालांकि हु अभी वापस नहीं आईस है, तो भी हु अपने वादा को पूरा करे। जबकि हम यीशु के वापस लौटन की रास्ता देख रहे हन, तो परमेश्वर हमारे से ऐसे तरीका से जीवन जीन की इच्छा करते जो पवित्र है और जो ओको आदर करते। जब यीशु धरती पे रहत होतीस, तब उन्हें कहीस, मोरे चेला नाउन दुनिया भर में सप्पाई जागा के लोग नाउन को परमेश्वर के राज्य के बारे में सुसमाचार प्रचार करे, तब दुनिया को अंत हो जाए। कई जाति नाउन ने अभी तक यीशु के बारे में नहीं सुनी है। स्वर्ग को लौट जान से पहले यीशु ने मसीह नाउन से उन लोग नाउन को सुसमाचार सुनान को कही जिनने एको कभी नहीं सुनीन होए। उन्हें कहीस, जाओ और सप्पाई जाति नाउन के लोग नाउन को चेला बनाओ, काया कि लोग नाउन परमेश्वर के जवर आन के गुना अभी तैयार है। यीशु ने यो भी कहीस, कोई मानुष को सेवक अपने स्वामी से बड़ो नहीं होए। या दुनिया के योग्य लोग नाउन ने मोरे से नफरत करीन और मोरे कारण ही लोग तुमा को भी सताएत और मार डालेत। या दुनिया में तुम दुखी हो पर मजबूत बनो, काया कि मैंने शैतान को हरा दे महम जो या दुनिया पे राज्य करते। अगर तुम आखिरी तक मोरे संग विश्वास योग्य बन के रहो तो परमेश्वर तुमा को बचाए। यीशु ने अपने चेला ना उनको यो समझान के गुना एक कहानी सुनाई कि जब दुनिया को अंत होए तो लोग ना उनके संग का होए। उन्हें कहीस, कोई मानुष ने अपने खेत में साजरो बीज बोईस, जब वह सोत होतीस तो ओको दुश्मन आईस और ओके गेहूं के खेत में कचरा के जंगली झाड़ के बीज को बो देस और फिर वो चलो गईस। जब झाड़ के अंकुर आईन तो सेवक नाउन ने वो मानुष से कहीन, हे स्वामी, तूने अपने खेत में साजरो बीज बोए होते तो फिर ओके में जंगली झाड़ कहाँ से आईन। वो मानुष ने उत्तर देईस, सिर्फ मोरे दुश्मन छुन को बो सकतत, यो मोरो कोई दुश्मन आए जेने असो काम करीस है। ही सेवक नाउन ने अपने स्वामी को उत्तर देईन, का हमा को जंगली झाड़ को उखान दे पाएजे। वो स्वामी ने कहीस, नी अगर तुम असो करो तो तुम गेहूं को भी उखान सकता हो। एके गुना कटाई के समय तक रास्ता देखो, तब जंगली झाड़ ना उनको जमा करके गट्ठा बना के जमा कर ले ताकि तुम उनको जला सको, पर गेहूं को मोरे भंडार में लेके आओ। चेला ना उनने या कहानी को मतलब नहीं समझीन। एके गुना उनने यीशु से ओको समझान की विनती करीन। यीशु ने कहीस, साजरो बीज बोए जान वालो मानुष मसीह को दिखाते, खेत दुनिया को दिखाते, साजरो बीज परमेश्वर के राज्य के लोगनाउन को दिखाते, जंगली झाड़ हु दुष्ट मानुष शैतान के लोगनाउन को दिखाते, हु मानुष को दुश्मन शैतान को दिखाते जेने जंगली झाड़ के बीज बो देस और कटाई यो संसार के नाश होन को दिखाते और कटाई करण वाले परमेश्वर के स्वर्गदूत नाउन दिखाते। जब दुनिया को नाश होए तब स्वर्गदूत उन सप्पाई लोग नाउन को एक संग जमा करे जो शैतान के है। ही स्वर्गदूत हुन को एक बहुत अज गर्म आगी में फेंक देहेत और वहां के लोग भयानक दुख के मारे रोएत और अपने दांत कटरेत। पर जो लोग धर्मी है जिनने यीशु को स्वीकार करीन है ही उनके परमेश्वर के राज्य में सूरज के सार के चमके। यीशु ने यो भी कहीस कि वो दुनिया को नाश होन से पहले धरती पे आए, वाच रीति से वापस आए जसो हु गईस है, मतलब ओके जवर वास्तविक शरीर होए और हु आकाश में बादल पे सवार होए के आए। जब यीशु वापस आए तो हर एक विश्वासी मसीही जो मर गईन है
मरे हुए में से जिंदे हुए और ओके से आकाश में मिले। फिर जो मसीही विश्वासी अभी भी जिंदे है ही आकाश में उठा लिए जाए और दूसरे मसीह विश्वासी ना उनके संग मिल जाए। जो मरे में से जिंदे हुए ही सप्पाई वहाँ यीशु के संग हुए। ओके बाद यीशु अपने लोग ना उनके संग रहे। जब ही एक संग रहे तो उनके जवर हमेशा के गुना पूरी शांति हुए। यीशु ने ओके पे विश्वास करने वाले हर एक मानुष को एक मुकुट देन को वादा करिस है ही हमेशा के गुना परमेश्वर के संग हर एक चीज पे राज्य करे और उनके जवर हमेशा के गुना पूरी शांति होए। पर परमेश्वर उन सपाई को न्याय करे जो यीशु पे विश्वास नहीं करत, हु उनको नरक की आग में डाल दे है। वहां पे ही रोएत और दांत कटरेत और ही हमेशा दुख सहेत और कभी भी नी बुझन वाली आगी उनको हमेशा जलाती रहे और कीड़ा नाउन उनको खान से कभी नहीं रुके। जब यीशु वापस आए तो वो पूरी रीति से शैतान को और ओके राज्य को नाश कर दे है। वो शैतान को नरक की आगी में डाल दे है। वहां शैतान हमेशा के गुना जलतो रहे ही सबके संग जिनने परमेश्वर की बात ना उनको मानन के बजाय शैतान के पीछे चलन को चुन ले होतीन। काया की आदम और हवा ने परमेश्वर की आज्ञा नहीं माने होतीन और पाप को या दुनिया में ले के आए होतीन। परमेश्वर ने उनको श्राप देश और उनको नाश करन को फैसला करिस। पर एक दिन परमेश्वर एक नए स्वर्ग और एक नई धरती को बनाए जो सिद्ध होए। यीशु और ओके लोग वह नई धरती पे रहे और वो हमेशा के गुना सप्पाई चीज ना उन पे राज्य करे। वो लोग ना उनकी आँखी ना उनसे हर एक आंसू ना उनको पोछ दे है और फिर कोई भी दुख नहीं होए ही बीमार नहीं होए या नहीं मरे और वहाँ कोई भी बुराई नहीं होए। यीशु अपने राज्य में न्याय से और शांति से राज्य करे। वो हमेशा के गुना अपने लोग ना उनके संग रहे।